हेलो। तो क्या आप लोगों को पता है कि यूपी की नीट काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोगों को यूपी के अंदर एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो 22 तारीख यानी 22 अक्टूबर से लेकर आप 28 अक्टूबर के बीच अपना वहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड जो 2000 रुपये की जो पेमेंट होती है, रजिस्ट्रेशन की जो फी है, वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। यानी 22 से लेकर 28 तारीख के बीच में आप कभी भी वो पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूपी नीट काउंसलिंग में बैठना है तो यार आप रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल ना भूले 22 से लेकर 28 तारीख तक। और जो सिक्योरिटी फीस आपको सबमिट करनी पड़ती थी 2 लाख की, डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ऑफलाइन करनी पड़ती थी, लेकिन इस साल यूपी नीट काउंसलिंग लेट शुरू होने के कारण वो आपको ऑफलाइन नहीं करनी है, आपको 2 लाख रुपए ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं एज अ सिक्योरिटी फीस। अगर आप एमबीबीएस की काउंसलिंग कर रहे हैं तो वो आपको 2 लाख की पेमेंट करनी है ऑनलाइन, और अगर आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको 30,000 पे करना होगा ऑनलाइन। एंड अगर आप बीडीएस के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको 1 लाख ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा। यूपी नीट काउंसलिंग की पहली मेरिट लिस्ट आपकी जारी होगी 29 अक्टूबर को, और जो रिजल्ट है वो आएगा 4 या 5 नवंबर को। 4-5 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है। तो यार देखो, अब ये मामला ना जल्दी जल्दी स्टार्ट हो चुका है, तो आप बिल्कुल एक्टिव हो जाओ। चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो है 1 से लेकर 4 नवंबर के बीच में, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एंड रिजल्ट के बाद जब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की बारी आती है, वो उसकी डेट्स है 7 से लेकर 11 नवंबर। आप 7 से लेकर 11 नवंबर के बीच अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और जो नोडल सेंटर आपको अलॉट हुआ है आपको वहां पे जाके रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रोसेस होने वाली है यूपी नीट काउंसलिंग की। तो मैंने जितनी भी आपको डेट्स बताई हैं वो प्लीज आप एक जगह पे कहीं लिख लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, 22 से लेकर 28 तारीख के बीच में आपकी रजिस्ट्रेशन होनी है, ठीक है। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करनी है, एंड 2 लाख की आपको सिक्योरिटी फीस की ऑनलाइन पेमेंट करनी है। इसके अलावा पहली मेरिट लिस्ट आपकी 29 अक्टूबर को आने वाली है, और जो 1 से लेकर 4 के बीच में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, 4 नवंबर 5 नवंबर को आपका रिजल्ट आने वाला है, और 7 से लेकर 11 तारीख तक आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन। एंड अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप गेट एडमिशन के चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आप गेट एडमिशन को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, एंड व्हाट्सएप लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी हमसे काउंसलिंग से रिलेटेड सारी बातें कर सकते हैं और अपनी काउंसलिंग हमारे थ्रू भी करा सकते हैं। बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं आप हम पे, तो बेफिक्र होकर आप गेट एडमिशन को अप्रोच कर ले एंड ये डेट्स लॉक कर ले। थैंक यू सो मच।